हैं कि इस तरह से सिर्फ यहाँ पे भी एक्वायर किया हुआ जमीन है और कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ भी नहीं है। बोर्ड के अंदर की हकीकत कुछ और ही है। इस पर्दे को हटा के देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हो। फोटो खींचना एकदम मना है। क्रेन के द्वारा जो है टांग के आपको रख दिया गया है। आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है दोस्तों, तो इसके अंदर भी जो है देखिए कोई काम वगैरह नहीं हो रहा है। इसकी पूरी जगह है हकीकत आप इस वीडियो में आप देख पाएंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपी ब्लॉग में दोस्तों। आज फिर से हम लोग जो है पटना मेट्रो के जो अपडेट है उसको लेने के लिए निकल चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं 90 फीट और वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कहां तक क्या है। तो पटना मेट्रो को यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि इस तरह से सिर्फ यहाँ पे भी एक्वायर किया हुआ जमीन है और कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ भी नहीं है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इसी तरह से आपका पटना मेट्रो का सिर्फ और सिर्फ घेराव किया गया है और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे भी देख रहे हैं एक लंबा बोर्ड तो लगा हुआ है पर इस बोर्ड के अंदर की हकीकत कुछ और ही है। इसके अंदर कोई भी चीज़ अभी नहीं है, सिर्फ ये लंबा बोर्ड लगा हुआ है बस। अब जैसे मलाई पगड़ी मोड़ के पास आते हैं तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह से घेरा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे घेरने के बाद जो है इसके अंदर जो है कहाँ तक इसको लेके गया है वो देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें पटना मेट्रो को जो कि मलाही पकड़ी के पास है वहाँ का अगर काम की बात किया जाए तो अगर हम इस पर्दे को हटा कर देखना की कोशिश इस पर्दे को हटा के देखने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे हालात है दोस्तों। तो अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी जो है इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है घेरा हुआ है और सिर्फ बाहर से सिर्फ घेर कर दिखा दिया गया कि काम हो रहा है पर एक्चुअली में यहाँ पे दोनों साइड में आप देख रहे होंगे कि कोई काम नहीं हो रहा है दोस्तों। और इस तरह से देखिए इसके अंदर का जो नज़ारा है वो इस तरह से दिख रहा है। बात किया जाए यहाँ पे फोटो वगैरह के लिए तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हो। यानी फोटो खींचना एकदम मना है, इसीलिए फिर भी रिक्स लेके हम लोग जो है ब्लॉगर्स आपके लिए फ़ोटो लाते हैं दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग इस वीडियो को शूट कर पाते हैं। तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जब बात करते हैं दोस्तों तो इस साइड में जो है पटना मेट्रो का सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है और इसका जो काम इसके अंदर का है वो कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई काम वगैरह नहीं हो रहा है, बस ऐसा ही है। बोर्ड लगाया हुआ लगभग 3-4 महीने से ये बोर्ड लगा हुआ हम देख रहे हैं पर कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप देख पा रहे थे कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ ये सिर्फ कवरिंग किया हुआ है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा ये मलाही पकड़ी और मलाही पकड़ी बस जस्ट मलाही पकड़ी जस्ट बगल में ही जो है काम हो रहा है और इसके अंदर देखिए काम हो रहा है। बाहर से हम ले सकते हैं फोटो, अंदर जाने का अलाउड नहीं है। लेकिन आप देखोगे ड्रिल मशीन पे जो है और क्रेन के द्वारा जो है टांग के आपको रख दिया गया है पिलर का जो रड होता है, रड का कंस्ट्रक्शन करके और उसको टांग के रखा हुआ है और इसके अंदर जो है इस तरह से आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है दोस्तों। और बात करें यहाँ पे काम की तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है दोस्तों। अंदर की अलाउंसमेंट नहीं होने का हम बाहर से ही जो है वीडियो ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, मलाई पकड़ी जो चौक है उसके पास कुछ काम आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे जो है काम आप देख रहे हैं कि हो रहा है और ये रहा हमारा आज का अप टू डेट दोस्तों। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काम हो रही है। तो बात करें अगर हम 90 फीट से लेकर जो है मलाही पकड़ी तक के तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे काम हो रहा है और बाकी सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ घेराव किया हुआ है। कहीं पे भी कोई काम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। और बीच बीच में जो इस तरह से देखें रोड पे गड्ढे खाली किए हुए हैं और पटना मेट्रो का जो है बोर्ड लगा हुआ है। तो हमें लगता है कि ये साइड में जो काम का स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और यहाँ पर भी हम पहुँचे हैं और यहाँ पर देखिए हम कोशिश करेंगे दिखाने का अंदर कि क्या स्थिति है। तो इसके अंदर भी जो है देखिए कोई काम वगैरह नहीं हो रहा है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से बोर्ड जो है लगा के रेडी कर दिया गया है। और
बाकी कोई इसी तरह का कोई मेट्रो का काम आपको देखने के लिए नहीं मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम हर जगह पे आपको जो है वीडियो शूट करके दे रहे हैं कि ताकि आपको ये हकीकत पता चल सके कि क्या मेट्रो के काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसका पूरी जगह है हकीकत आप इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि सही में जो है काम रफ्तार में है या फिर सही में जो है काम स्लो में है। इसका डिसीजन आप खुद लेकर बताइएगा कि क्या इसको काम को स्पीड कहिएगा या फिर स्लो कहिएगा। तो आप देखिए हर जगह पे बोर्ड दिखा रहे हैं और हर जगह जो है उसके अंदर जाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है वो उसके अंदर काम हो रहा है कि नहीं। दोस्तों तो आइए इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घेर दिया गया है, चारों तरफ से दोनों साइड से बंद है, उसके अंदर आप देख नहीं पाते हैं कहीं, यानी 90 फीट से जैसे आप डुलते हैं तो वहाँ पे सिर्फ इस तरह के जो है गड्ढा आपको देखने के लिए मिल जाएगा और कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा जो है यहाँ पे रोड को गड्ढा करके छोड़ दिया गया है और किसी तरह का कोई काम नहीं है दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं कि ये पूरा 90 फीट का जो है अप टू डेट रह रहा है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि पटना मेट्रो का जो काम है दोस्तों किस रफ्तार में हो रहा है इस सब जगहों पे, आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ एक जगह पे सिर्फ एक पिलर का काम हुआ है, सिर्फ वो भी एक पिलर, वो भी पिलर का जो है जो रड का कंस्ट्रक्ट करके यानी कि सरिया को जो है उसके अंदर डाला नहीं गया है, अभी ऊपर ही है सिर्फ एक पिलर, बाकी सभी जगह पे जो है कई महीनों से सिर्फ घेराव करके छोड़ दिया गया है कि लग रहा है लोगों को लगे ये कि हाँ भाई काम हो रहा है, पर एक्चुअली बात ये है कि वहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है दोस्तों। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।